अस्सलाम वालेकुम, देसी होम कुकिंग से मरियम शहजाद का सलाम हो। आज हम बनाएंगे ढाका कढ़ाई। कढ़ाइयों की बात करते हैं तो आज से कुछ साल पहले जो है कढ़ाइयों की जो वैरायटी थी वो इतनी ज़्यादा नहीं थी। आजकल कढ़ाई जो है उनकी वैरायटी बहुत ज़्यादा हो गई है। अगर हम कढ़ाइयों की बात करें तो इस पर पूरा एक जो है वीडियो हमें बनानी पड़ेगी, क्योंकि आजकल वैरायटी चिकन कढ़ाइयों की बहुत ज़्यादा है, चाहे वो मटन की हो, बीफ की हो, जिस तरह की भी कढ़ाइयाँ हों आजकल वैरायटी बहुत है। तो चले बात हम अपनी ख़त्म करते हैं, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो हम बनाएंगे आज ढाका कढ़ाई बनाएंगे, जो कि बहुत ही मज़ेदार है, और चीज़ें जो हैं, इंग्रेडिएंट्स जो हैं, बहुत ही इजी हैं और बहुत जल्दी ये तैयार हो जाती है। टाइम की बात करें तो ये हम इसको 25 मिनट में तैयार कर लेते हैं। अगर सब चीज़ें आपके पास कटी हुई और चिकन जो है धोया हुआ मौजूद हो तो ये 25 मिनट में जो कढ़ाई है ये बिल्कुल तैयार हो जाती है। तो चले रेसिपी की तरफ चलते हैं, मज़ेदार कढ़ाई बनाएंगे, ढाका कढ़ाई। जी हाँ, तो चले रेसिपी की तरफ। जो है सबसे पहले हमें जो चिकन चाहिए होगा, ये हमारे पास एक फुल साइज़ की चिकन है जिसको हमने धो लिया अच्छे तरीके से, और ये यहाँ पर हमने इसको ड्राई करके रख दिया। जी हाँ, ड्राई करके हमने इसको रख दिया। साथ ही इसमें टमाटर जाएंगे, टमाटर हम 5 से 6 जो है टमाटर डाल सकते हैं इसमें। हरी मिर्चें हम डालेंगे अपने टेस्ट के मुताबिक, 4 से 5 भी हम डाल सकते हैं। अगर कम खाते हैं तो आप कम का इस्तेमाल कीजिए। यहाँ पर हम कुटी हुई जो लाल मिर्च है उसका हम इस्तेमाल करेंगे। जी हाँ, ये जो ड्राई मिर्च होती है इसको हमने लेना है, और ये हमने यहाँ पर 2 से 2.5 टेबल स्पून जो है वो हमने इनको कूट लिया है। और ये कुटी हुई जो है ये बाज़ार से भी मिल जाती है, अगर घर में है तो या आप फ्रेश वाली तैयार कीजिए। साथ ही हम इसमें ऑयल का इस्तेमाल करेंगे, 4 से 5 टेबल स्पून हम ऑयल लेंगे। मीडियम साइज़ के 2 अदद प्याज थे जिनको हमने स्लाइस कर लिया। बाकी मसालों की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास धनिया है जिसको हमने कूट लेना है, साबुत वाला लेना है। ज़ीरा है हमारे पास साबुत वाला, ये भी हम इसमें 1 टेबल स्पून डालेंगे। साथ ही हमारे पास जो धनिया था ये 2 टीस्पून हम इसमें लेंगे। अगर आप इसमें लाल मिर्च पाउडर शामिल करना चाहते हैं तो वो भी आप डाल सकते हैं, लेकिन हम इसमें लाल मिर्च का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। और इस जो कढ़ाई है इसमें हल्दी का इस्तेमाल भी नहीं होता, लेकिन अगर आप बेनिफिट के हिसाब से अगर आप डालना चाहें हल्दी के तो वो आप इसमें 1 टीस्पून जो है वो आप डाल सकते हैं, लेकिन हम इसमें बिल्कुल नहीं डालेंगे। साथ ही यहाँ पर गरम मसाला आएगा कुटा हुआ, ये हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून। और सबसे आखिर में जो इस कढ़ाई को मज़ेदार बनाएगा वो हम डालेंगे इसमें घी। जी हाँ, 2 टेबल स्पून जो है वो हम इसमें 2 से 3 टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे, जो इस कढ़ाई को मज़ेदार सा टेस्ट देगा। तो चलिए सबसे पहले जो हमने काम यहाँ पर किया था, मिर्चों को हमने कूट लिया था, और साथ ही हमने ये जो मसाले आपको बताए इनको भी हमने मोटा मोटा सा कूट लेना है, बिल्कुल पाउडर फॉर्म में हमें इनको नहीं बनाना। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है लहसुन और अदरक जो है वो हम इसमें डालेंगे 1-1 टेबल स्पून। जी हाँ, 1-1 टेबल स्पून जो है वो लहसुन अदरक की को हमने फ्रेश वाला लेना है, और उसको हमने अभी हम इसको काट लेते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। धनिया हम डालेंगे जो बाद में हम गार्निश के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पर हमने ऑयल को डाल दिया, 3 से 4 टेबल स्पून हमने ऑयल के इस्तेमाल किए। साथ ही हम इसमें लहसुन और अदरक जो है ये हम इसमें फ्रेश वाली डालेंगे, इसकी हमने पेस्ट नहीं डालनी। ये देखो, थोड़ा सा हम इसको भूनेंगे, बहुत ज़्यादा हमने इनको पकाना नहीं है, क्योंकि साथ ही हम इसके चिकन डाल देंगे। अगर हम इनको ज़्यादा पका लेंगे तो जब हम चिकन को पकाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा जो है ये जल जाएंगे और इनका टेस्ट जो है बिल्कुल कड़वा हो जाता है। इसलिए छोटी छोटी जो बातें हैं इनका ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी हमारी जो डिश है वो बड़ी ही ज़बरदस्ती तैयार होती है। तो जैसे ही हल्का सा ये सौते होंगे तो साथ ही हम इनमें चिकन को डाल देंगे, ताकि दोनों चीज़ें जो हैं वो इकट्ठी साथ साथ तैयार हों, क्योंकि कढ़ाई का अपना ही एक टेस्ट होता है। अब यहाँ पर जैसे ही थोड़े से ये कलर चेंज हुए, साथ ही हमने चिकन को डाल देना, और यहाँ पर हमने आँच को तेज़ रखना है। जी हाँ, ये देखो, आँच को हमने बिल्कुल भी कम नहीं करना। अब यहाँ पर आपने देखा कि हमने ऑयल डाल दिया था, साथ ही हमने लहसुन और अदरक जो थी वो डाल दी थी, साथ ही हमने चिकन डाल दिया था। अब हम इसको देखो फ्राई करेंगे, और ये तीनों चीज़ें जो है हमारी, देखो ऑयल, लहसुन और अदरक और चिकन को अभी हमने फ्राई करना है। अब हम इसके ऊपर टमाटरों की लेयर लगाएंगे, अभी तक अभी हमने इसमें कुछ नहीं डाला। अब यहाँ पर जैसे ही चिकन का कलर थोड़ा सा तेज हुआ, नमक हम डाल देंगे, 2 टीस्पून हमने नमक डाला, कम या ज़्यादा आप अपने टेस्ट के मुताबिक कर सकते हैं। अब हम इसमें टमाटरों को आधा आधा काट के इसके ऊपर लेयर लगा देंगे।
अभी यहाँ पर हमने जो आपको टमाटर बताए थे इनको हमने देखे आधा आधा काट के हमने इनको इस तरह ऊपर लेयर में लगा देना है। अभी तक हमने जो काम किया इस कढ़ाई में, ढाका कढ़ाई में, हमने लहसुन और अदरक को थोड़ा सा सौते किया, ऑयल डाला और उसके बाद चिकन डाल दिया और साथ ही हमने नमक डाला और फिर हमने इसमें टमाटर काट के इस तरह लेयर में लगा दिए। और इसमें ये देखिए बिल्कुल थोड़ा सा हम सिर्फ पानी डालेंगे सिर्फ स्टीम पैदा करने के लिए, ये देखें, ताकि इसमें स्टीम होगी तो ये जो इसके छिलके हैं टमाटरों के ये आसानी से उतर जाएंगे। आँच को थोड़ी देर के लिए हमने कम किया था और अब हम इसको फिर तेज़ कर देंगे। अब हम इसको कवर कर देंगे। आपने देखा कि पानी हमने बिल्कुल थोड़ा सा डाला, इससे होगा क्या कि इससे आप देखें इससे बड़ा ज़बरदस्त सा फ्लेवर जो कढ़ाई में आना चाहिए खट्टा मीठा, वो जो है इस तरीके से वो हम इस कढ़ाई में लेकर आएंगे। अब हम इसको कवर कर देते हैं। यहाँ पर हमने ये देखे कवर किया ताकि ऑयल और पानी का जो है वो स्टीम बने और इसके जो टमाटरों के जो छिलके हैं ये बहुत आसानी के साथ हम इनको उतार लेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो स्टीम है ये देखे ये टमाटरों को भी सॉफ्ट करेगी। अगर हम टमाटरों के छिलके पहले उतार देते तो एक तो टाइम जो था हमारा हमने टाइम की बचत की और साथ ही जो टमाटरों का टेस्ट खट्टापन मीठापन इनका होता है वो सारा जो है वो हम चिकन में लाना चाहते थे ताकि जो कढ़ाई है हमारी ज़बरदस्त सी तैयार हो। अब यहाँ पर टमाटर जो थे देखें सॉफ्ट हो गई और ये देखें इसके हमने जो पील्स थे छिलके हमने उतार लेने और बहुत आसानी के साथ ये देखें कांटे की मदद से भी आप उतार सकते हैं। ये देखें सब टमाटरों के जो छिलके हैं ये देखें कितनी आसानी से हमने उतार लिए और हमारा टाइम भी वेस्ट नहीं हुआ। इसी तरह तमाम टमाटरों के छिलके हम उतार लेंगे। अब यहाँ पर हमने साथ ही जो हमने आपको प्याज कहे थे 2 अदद ये हम इसमें डाल देंगे ताकि साथ साथ हमारे सब काम जो है वो साथ साथ होते जाएँ। टमाटर जब तक के हल होंगे साथ ही प्याज जो है ये भी साथ ही इसके मिक्स हो जाए। थोड़ी देर हम इनको मिक्स करेंगे और फिर जब मसाला हमने आपको बताया था वो हम इसमें डाल के इसको अच्छी तरह भूनेंगे। अब यहाँ पर जो मसाले हमने आपसे कहे थे इनको हमने कूट लिया था मोटा मोटा और ये अब हम इसमें डाल दिया और इनको अच्छे तरीके से हम भून लेंगे। अब यहाँ पर कढ़ाई हमारी बिल्कुल तैयार है। हरी मिर्च और अदरक डाल के धनिया डाल के हम इसको फिनिश करते हैं। अब यहाँ पर कढ़ाई हमारी बिल्कुल तैयार हो गई है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम इसमें सबसे आखिर में घी का इस्तेमाल करेंगे तो हमने 2 से टेबलस्पून जो थे वो हमने घी के हमने इसमें डाल दिए ताकि इसका टेस्ट जो है ज़बरदस्त आए। हरी मिर्चें और अदरक वगैरह दही डाल दी हमने और ये कढ़ाई हमारी ढाका जो कढ़ाई थी हमारी तैयार हो गई मज़ेदार सी। सिर्फ इसको 2 मिनट के लिए हम और रखेंगे ताकि ये दम पर और इसके बाद इसको हम नान के साथ पराठों के साथ जिस तरह भी हम इसको खाएं हम इसको खा सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये रेसिपी जो है ये पसंद आएगी। दुआओं में याद रखिएगा। और हाँ, खाने से पहले अगर आपने हमारे साथ ये कढ़ाई को तैयार किया है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे पेज को शेयर कीजिएगा, यूट्यूब पर हमारा चैनल है इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। इसको हम भूनेंगे अभी।